हेलो ऑल, वेलकम टू BBS बाबा फिजिक्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। पार्टिकल फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम इवन इसके बाद में ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी एंड ऑल सब पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस से मतलब क्या है? सो वी विल सी द एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। समझो, बेसिकली वी हैव फोर फंडामेंटल फोर्सेज ना, उन सबको ज्वाइन कर करके या फिर जब ओरिजिन हम किसी का ट्रेस करेंगे, यार ये उसके साथ ही मिल जाता है, एक के दो पार्ट हैं या एक के तीन पार्ट हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, ठीक है। तो इसको बड़ा, और उसके थ्रू तो फाइनली हमारा जो अचीव है कि हम सारे फोर फंडामेंटल फोर्सेस को मिला दें, दैट वुड बी द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज ऑफ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अभी हम देखते हैं तो कैसे कैसे यूनिफिकेशन स्टार्ट का हुआ, कि अभी का कॉन्सेप्ट नहीं, ये काफ़ी पुराना है। द फर्स्ट यूनिफिकेशन वॉज डन बाई न्यूटन, रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिफिकेशन कब हुआ, हम पूरा एक जर्नी ट्रेस कर रहे हैं अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिफिकेशन वॉज, इनिशियली पीपल थॉट कि टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी एंड एस्ट्रोनॉमिकल ग्रेविटी आर डिफरेंट। टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी द ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव ऑन दिस अर्थ एंड ऑल, एस्ट्रोनॉमिकल जो मून वगैरह हैं। तो इनिशियली पीपल और साइंटिस्ट थॉट कि वहाँ पे अलग तरीके के फोर्सेज लगते हैं, बट इट वॉज न्यूटन हु सेड कि नहीं भाई, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, एंड दैट्स वाई जी ही गेव अ लॉ, जी इज इक्वल टू फोर्स दिया था उन्होंने, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्लियर। तो इट मीन्स बिकॉज ही यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी एंड एस्ट्रोनॉमिकल ग्रेविटी, तो दिस इज क्लियर। फर्स्ट यूनिफिकेशन वॉज डन बाई न्यूटन, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड यूनिफिकेशन डन वॉज मैक्सवेल, ही वॉज अनदर वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। इन्होंने चार इक्वेशन दी, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस बी, डेल डॉट ई और डेल डॉट बी, डेल डॉट बी जीरो करके, कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट एंड ऑल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लॉस को, इनिशियली पीपल थॉट इलेक्ट्रिसिटी इज डिफरेंट एंड मैग्नेटिज्म इज डिफरेंट, इन्होंने यूनिफाई किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दीज टू ऑलरेडी हो चुके हैं, ये पार्टिकल फिजिक्स का डोमेन में भी नहीं है। आर इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट है वो है इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन के यूनिफिकेशन, बिकॉज दिस इज द ओनली यूनिफिकेशन दैट साइंटिस्ट आर एबल टू अचीव नाउ, जो भी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, ठीक है। अभी ग्रैंड यूनिफिकेशन आर थ्योरीज हैं, वो काफ़ी सब लोग अपना अपना अलग बताते हैं, बट कोई कॉन्क्रीट हमारे पास एविडेंस नहीं है कि वेदर वी आर एबल टू डन इट और नॉट, बट इलेक्ट्रो वीक इंट्रैक्शन इज ऑलरेडी यूनिफाइड। तो उसको हम देखते हैं, ये किसका इंट्रैक्शन, समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, किसने कर दिया, मैक्सवेल भाई ने, और वीक इंट्रैक्शन, ये दोनों का यूनिफिकेशन कहलाता है इलेक्ट्रो वीक इंट्रैक्शन। किसने किया था, ग्लासाउ, वीनबर्ग एंड सलाम, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों आदमी का नाम एक है, 1960 में इन्होंने किया। जब ये हो गया इलेक्ट्रो वीक इंट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन का भी अगर हम यूनिफिकेशन कर दें, दैट वुड बी कॉल्ड ग्रैंड यूनिफाइड इंट्रैक्शन और ग्रैंड यूनिफिकेशन, और यही आप यहीं से आपका स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एंड ऑल बनता है। एंड दिस, रिमेंबर दिस, ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे भी जा रहे हैं हम, ग्रैंड यूनिफाइड इंट्रैक्शन यानी GUT जो आपका हो जाएगा, इसको अगर हम ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फर्स्ट वन वाला, यानी सोर्सेज ऑफ ऑल फोर्सेज आर सेम, इसको भी अगर हम कर दें, तो दैट वुड बी कॉल्ड द यूनिवर्सल इंट्रैक्शन। जो भी फिजिक्स में काम होना बाकी है, यहाँ पे भी काम चलता रहता है, तो दैट वुड बी कॉल्ड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये मैंने आपको पूरी जर्नी ट्रेस कर दी, सो एनी क्वेश्चन आए तो आप उसका बेसिक वगैरह यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आर मेन फोकस ऑन इलेक्ट्रो वीक इंट्रैक्शन, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, ये एक डायग्राम है, यू कैन ड्रॉ जब हमें भी क्वेश्चन आया। तो यहाँ एक स्ट्रेंथ वर्सेज एनर्जी, देखो ये क्या था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और वीक, क्या बन गया, इलेक्ट्रो वीक। एनर्जी कितनी गई, 10 to the power, और इलेक्ट्रो वीक 10 to the power 15 एनर्जी पे जाके, ये क्या है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। और ग्रेविटी भी जब ऐड हो जाएगी, ये थ्योरी ऑफ कहाँ, 10 to the power 9, इसलिए दैट्स वाई इसको कहते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स, बिकॉज ऑल दीज यूनिफिकेशंस आर वी आर एबल टू अचीव एट वेरी हाई एनर्जी, क्लियर। अब हम समझते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रो वीक इंट्रैक्शन, SU2, ये सिमेट्री ऑपरेशन में लिखा जाता है, लिखना चाहो तो लिख देना SU2, वी हैव ऑलरेडी अनदर वीडियो ऑन कि कैसे लिखते हैं, उसमें आप इसको समझ सकते हैं U1, ठीक है। ये मैट्रिसेस होती हैं बेसिकली, लिव इट, ठीक है। तो वी हैव फोर फंडामेंटल इंट्रैक्शंस, एंड दीज इंट्रैक्शंस आर कॉल्ड गॉज इंट्रैक्शंस, एंड ऑल दीज इंट्रैक्शंस आर मीडिएटेड बाई कोई भी पार्टिकल होगा या क्वांटा होगा, दीज पार्टिकल और क्वांटा को गॉज पार्टिकल्स। इन ये जो इनके जो इंट्रैक्शन जो होता है, उससे आपका फोर्स बनता है, समझो ये कोई फील्ड है, ये पार्टिकल्स है, ये एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी फोर्स इज नथिंग बट एन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, क्लियर है ना। और जिस तरीके का पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, उसके थ्रू फोर्स बनते हैं, ग्रेविटेशन में से ग्रेविटॉन्स बोल देते हैं। सो स्ट्रॉन्ग कब होगा, व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग ग्लूऑन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग गामा फोटॉन्स, व्हेन इट विल बी वीक, दिस इज देयर वी हैव टू W+- और Z, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैक्टर बोसॉन्स, देन वी विल हैव वीक इंट्रैक्शन, एंड ग्रेविटेशन वी हैव ग्रेविटॉन, ऑल्दो अभी हम इसको
नहीं देख पाए लेवे में, बट ये सब ग्रेविटॉन इज द हाइपोथेटिकल पार्टिकल अभी, ठीक है। चार्जेस यहाँ कलर चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, वीक न्यूक्लियर और मास होता है यहाँ पे। होप इट इज क्लियर। अगेन मैं एक बार बता देता हूँ, वी हैव फोर फंडामेंटल इंटरेक्शंस जिसको गॉज इंटरेक्शंस बोलते हैं। सारे गॉज इंटरेक्शन दे आर मीडिएटेड बाय द गॉज पार्टिकल, ठीक है। गॉज पार्टिकल और जो इस तरीके का पार्टिकल होता है वो बिकॉज ऑफ द ये जो आपका मीडिएशन ऑफ द पार्टिकल फोर्स अराइजेस, और जिस तरीके का पार्टिकल उसी के थ्रू फोर्स का नाम होता है, ठीक है। तो यह पार्टिकल एक्सचेंज हुआ, इसके थ्रू फोर्स आया। अब इंटरेक्शन बिटवीन लेप्टन्स, अब लेप्टन क्या वीक पार्टिकल्स में आएंगे, जो वीक इंटरेक्शन के थ्रू गवर्न होते हैं लेप्टन्स और हेड्रॉन आपके स्ट्रॉन्ग के थ्रू से। तो इंटरेक्शन बिटवीन लेप्टन्स एंड चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। एक लाइन में डिफाइन करना हो तो इंटरेक्शन बिटवीन लेप्टन एंड चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट बोसोन, समय भी ऊपर देखे डब्ल्यू जेड जेड फोटोन, एंड दे आर कॉल्ड द क्वांट ऑफ इलेक्ट्रोवीक। दिस यूनिफिकेशन किसने किया था? ग्लासोव वीनवर ने, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1979 में। ये हो गया थ्योरी, थ्योरी वाला पार्ट समझ लेते हैं। वीनवर्ग एंड सलाम ने, ये पाकिस्तानी है, कंबाइंड द थ्योरी ऑफ वीक इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस यूनिफाइड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लोकल गॉस सिमेट्री, भी हम देखा। अब ये मैं थोड़ा बताया, एग्जाम में लिखने के नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत समझ लो। दो तरीके की सिमेट्री होती है, एक लोकल सिमेट्री और एक होती है आपकी ग्लोबल सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है पूरी पार्टिकल फिजिक्स में? इनवेरियंस ऑफ इट्स इक्वेशन टू सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो इनवेरियंस होता है इक्वेशन का, वहाँ से आपकी सिमेट्री डिफाइन होती है। और अगर वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो स्पेस एंड टाइम में डिपेंड नहीं करता है, देन आपकी सिमेट्री ग्लोबल है, एल्स सिमेट्री आपकी लोकल है। तो ये कौन सी सिमेट्री से गवर्न होता है? इलेक्ट्रोवीक लोकल गॉज सिमेट्री। इसलिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड दैट मस्ट बी इन योर आंसर व्हेन एवर यू आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। क्लियर? अल्सो यू डू नॉट नीड टू राइट दिस वन, बट यू नीड टू राइट लोकल गॉज सिमेट्री के प्रिंसिपल पे बेस होता है क्या आपका इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। नाउ वी विल अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स टू द वी नो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल्स तो मूव कर ही रहे ना, देन इट इज कॉल्ड क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन इट वुड बी गवर्न विद द क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वाई? एंड इन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स देर इज अ फिनोमेना कॉल्ड स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, अनदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड। देखो यार बस ये कीवर्ड याद रखने हैं, बाकी डिटेल में तो फिर घंटों का वीडियो बनेगा इस पर, समझ लो ना। तो वेन वी अप्लाई क्वांटम द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑन चार्ज पार्टिकल, इट इज गवर्न बाई क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एंड इन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स देर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल थ्री ऑफ द एक्सचेंज बोसोन्स, याद है ना, डब्ल्यू प्लस माइनस जेड नॉट और फोटोन, ये सब जो थे, थ्री ऑफ द एक्सचेंज बोसोन पार्टिकल्स एक्वायर ह्यूज मासेस एंड वन बिकम मासलेस। फोटोन जो हो गया था अपना, मासलेस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रेक्शन वाया फोटोन, चमक रहा है जिसकी इनफाइनाइट रेंज है। और जो तीन दिन में मासेस आ गए, काफी ज्यादा मासेस आ गए, वो वीक इंट्रेक्शन के लिए डब्ल्यू जेड और जेड नॉट, और जो शॉर्ट रेंज है जब जिसका मास बहुत ज्यादा है तो मूव नहीं कर पाएगा ना। तो मास ऑफ डब्ल्यू जेड ये 80,000 MeV / c² मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसका जेड नॉट का 90,000 ये होता है, ठीक है। और ये दीज वैल्यूज जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था सर्न में 1987 में, एक्सपेरिमेंट किसका हुआ था, 270 गीगावाट, ये आपके काम का नहीं था ना, उसके साथ ग्रेट उसके साथ था, मतलब एकदम कंसिस्टेंसी थी इन वैल्यूज़ में, तो ये ठीक है। तो इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, बाकी एक फैक्ट कभी और आ जाए कि वीनबर्ग एंगल वगैरह क्या होता है तो मैं लिख दूँ। द यूनिफिकेशन कंडीशन एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कपलिंग कॉन्स्टेंट, ये आपका वीनबर्ग एंगल होता है थीटा डब्ल्यू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वीक मिक्सिंग तो कॉस थीटा डब्ल्यू होता है MW / MZ, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देख सकते हो लिखना हो तो, बाकी ये कोई इतना मैथमेटिक्स इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये जो इम्पोर्टेंट था कि लोकल गॉस सिमेट्री के से गवर्न होता है। उसके बाद आपने कहा तो अब ये बिकॉज ऑफ द स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, हमारे चार थे यार, देखो डब्ल्यू जेड ये जो था और ये अपना था जेड जीरो, इससे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री ब्रेकिंग तीन पार्टिकल्स जो थे डब्ल्यू प्लस माइनस और जेड नॉट, इन्होंने ह्यूज मास एक्वायर कर लिया और वन बिकम मासलेस हो गया, क्योंकि हमको यूनिफिकेशन दिखाना है ना यार कि वो एक ही के थ्रू गवर्न होते हैं, इसके थ्रू कैसे गवर्न हो रहे हैं, बिकॉज जो तीन जो हुए जिस पे ज्यादा मास आ गया, ठीक है। जब ज्यादा मास हो गया तो आपकी रेंज क्या हो गई, बहुत छोटी, वो हो गई इनफाइनाइट रेंज, वो बहुत छोटी रेंज हो गई ना ज्यादा मास आ गया, तो इसलिए वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू गवर्न कर रहे हैं। और मास नहीं है बिल्कुल, तो इनफाइनाइट रेंज है ना, कहीं भी चले जाओगे जैसे फोटोन, और वो गवर्न कर रहा है, तो EM इंटरेक्शन हो गया इधर से और ये वीक इंटरेक्शन हो गया, इसी का यूनिफिकेशन तो पढ़ रहे हैं। सो होप ये आपको चमक गया होगा, इतना ही लिखना है इसमें। सो दिस इज ऑल फॉर इलेक्ट्रोवीक इंट्रेक्शन। इसके बाद हाँ, अगर ये GUT देखना हो थोड़ी और एनर्जी बढ़ जाती है, और एक दो नाम है वो आप कहीं से भी कर सकते हो, तो उसमें इतना कुछ चीज़ नहीं है। अगर होगा तो हम अलग से उसका एक दो मिनट का वीडियो बना देंगे। सो दिस इज ऑल फॉर इलेक्ट्रोवीक इंट्रेक्शन, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोवीक इंट्रेक्शन। ओके, बाय बाय।